नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी विधानसभा के इलेक्शन को लेकर जगह जगह पे एक अपनी अपनी प्रतिभा चल रही है। वह हम चांदनी चौक पर पहुँचे हैं कि क्या इस 5 वर्ष में आमदार भोंडेकर ने कार्य किए हैं या नहीं किए, जिससे कई जगहों बताया जा रहा है कि आमदार भोंडेकर जी ने 3000 करोड़ के काम लाए हैं। उसी प्रकार क्या 3000 करोड़ के काम हुए हैं कि नहीं हुए, ऐसी ही लोगों की हम प्रतिभा जानने के लिए आज यहाँ मौजूद है चांदनी चौक में। जानते हैं लोगों से कि क्या सही में आमदार भोंडेकर ने विकास कार्य किए हैं या नहीं किए। क्या नाम है आपका? प्रकाश गुंडाणे। क्या लगता है आपको कि आमदार भोंडेकर ने विकास कार्य किए हैं कि नहीं किए? मेरे हिसाब से अभी तक के मेरा जितना अनुभव है तो आमदार साहब जी ने विकास के काम शुरू भी किए हैं और कुछ काम कर चुके हैं और कुछ आने वाले दिनों में करने वाले भी हैं। तो बहुत से काम सैंक्शन हो चुके हैं। अभी कैसा है कि सैंक्शन होते बराबर कोई भी काम चालू नहीं होता, उसको थोड़ा समय लगता है और उसकी कुछ प्रोसीजर रहती है। तो वो प्रोसीजर में कुछ काम है और कुछ काम हो भी चुके हैं। अभी मेरा जो मकान है यहाँ पर चांदनी चौक में, यहाँ पर अभी 6 महीने के पहले जो हमारी नाली है उस नाली से पूरा एरिया का पानी पास आउट होता था, तो नाली पूरी गिर चुकी थी। अच्छा। और वो 40-50 साल पुरानी नाली थी। तो हमने नगर परिषद में निवेदन वगैरह दिए मगर उस निवेदन का कोई सुनवाई नहीं हुई और टालम टाल करते गए लोग, वहाँ के अधिकारी लोग, कि ये तुम्हारे अंडर की है, हम नहीं बना सकते, ऐसा वैसा कि उन्होंने। फिर वही मैं अप्लीकेशन और एक अर्ज बनाया और आमदार साहब के ऑफिस में मैंने दिया, सबमिट किया और डायरेक्ट मैंने आमदार साहब से बात किया। सर बोला ऐसा ऐसा है, पूरी एरिया का पानी बोला वो नाली से पास आउट होता है और बोला नाली पूरी गिर चुकी है, अगर बोला पानी अगर जमा हो गया तो बोला विविध प्रकार के जो डिसीज है, रोग है, वो बोला पूरी एरिया के लोगों को फैल जाएंगे और प्रॉब्लम होंगी सभी लोगों को, और बोला पाली पूरी तरह से निकलने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल अर्ज देऊन दे मैंने, तो मैंने एक मैंने त्याचर में सैंक्शन कर दो मैंने, और मैंने जैसे अर्ज दिया उसके 1.5 महीने के बाद में नाली का काम चालू हुआ। तो 5 लाख का सैंक्शन उन्होंने मंजूर किए थे, तो पूरा मेरा आगे का दुकान के आगे का पूरा नाली उन्होंने बना दी है। हाँ, इसलिए मुझे उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में तो चर्चा है कि आमदार साहब ने कोई काम ही नहीं किए है, तब पंडाया है, रोड खराब हो गए है, नालियाँ नहीं बनी हुई है। अच्छा। लोगों के तक पानी नहीं पहुंच रहा है, ऐसे लोगों की कई तकरार है। नहीं, वो अपोजिशन वालों का काम है, क्योंकि क्या है कि देखो अभी जिसकी सत्ता रही वो ट्राई अपने लेवल बेस पे करता है कि मेरे हाथ से अच्छे काम हो और विकास हो भंडारे में। अब क्या है कि किसी के पेट में अगर दर्द होता है अपोजिशन वालों के लिए, तो उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विकास पुरुष का जो काम है वो विकास करने का रहता है। और उन्होंने 100% कॉन्सेंट्रेशन से भंडारा में अच्छे काम किए हैं और चालू भी है और आने वाले दिनों में और अच्छा विकास होगा भंडारे में। क्या आमदार साहब आम लोगों से मुलाकात होती है, मिलते हैं? हाँ, होती है ना, मुलाकात करते हैं आम लोगों से। और आमदार खासदार काफ़ी आम लोगों से, एक छोटे से वार्ड के लोगों से मुलाकात नहीं होती, पर क्या यहाँ के आमदार मुलाकात करते? नहीं, आमदार मुलाकात करते, उन्होंने जनसंपर्क कार्यालय खोल चुके हैं अपने ऑफिस में। अच्छा। कोई भी आम नागरिक एनी टाइम कभी भी उनके जनसंपर्क कार्यालय में जा सकता है और अपनी समस्या रख सकता है, इसके लिए वहाँ पर किसी को कोई रोक टोक नहीं है, इतना मुझे मालूम है। तो आप देख सकते हैं कि कई जहाँ एक बार विकास की बात आती है तो वहाँ उसके कार्यों को लेकर बात की जाती है कि कितना फंड लाया गया है, किस तरह की रोड नाली बनाई गई है, क्या उस फंड का पूरी तरह से उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, उसी विषय को लेकर आज हम पूछते हैं। क्या नाम है? गोवर्धन निनावे। क्या बताएंगे आपको, भंडारे में बड़ी चर्चा है कि जो अभी विद्यमान आमदार है नरेंद्र भोंडेकर जी, कि इन्होंने इतना फंड लाया है लेकिन कार्य ही नहीं किया है, ऐसी लोगों की चर्चा है ये बार इलेक्शन में कहा जा रहा है, क्या बोलिएगा? देखो, लोग कैसा, लोगों को कितना भी दो तो भी लोग बोलते हैं कि मेरे को होना होना होना। जैसा अभी अपने आमदार साहब, अभी आमदार साहब की अभी शायद इलेक्शन लगने ही वाले हैं, तो अभी सबको ही मालूम है कि आमदार साहब काम कर रहे हैं करके। अभी भोंडेकर साहब के बारे में अपन शिकायत भी नहीं कर सकते, कुछ शिकायतें है भी और नहीं भी, यानी शिकायतें कैसी है। अभी उन्होंने पाइपलाइन के लिए कई रोड फोड़ दिए, लेकिन उनका काम था जब वो रोड फोड़े तो तुरंत बनाने को होना, यानी पलिस्तर तो भी करने को होना उनके ऊपर, सातपुरा तो भी पलिस्तर करने को होना। आज देखो, हमारे चांदनी चौक की एक समस्या थी कि हमारे चांदनी चौक में ये जो मेन रोड है, चांदनी चौक का मुख्य रास्ता है, वो बन रहा नहीं था और एक कुंभा टोली का रास्ता था। तो इसके लिए मेरे पास कई लोग आए, तो मैं
आमदार साहब से मिला, आमदार साहब के पास गया तो उन्होंने बिल्कुल तीसरे ही दिन इस बात पे एक्शन लिए और तीसरे ही दिन इंजीनियर वगैरह आए, मेजरमेंट लिए और ये काम सैंक्शन हुआ। उसके बाद हम हनुमान मंदिर है हमारे यहाँ, उसके लिए हम निवेदन लेके गए थे कि निधि होना और हमारा काम शुरू करके दो करके, वो भी हमारा काम शुरू हो गया। ये घासीदास बाबा का मंदिर है, वो भी काम शुरू हो गया, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे काम नहीं हो रहे करके। और रही बात जो लोग बोल रहे हैं काम नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने बताने को होना कि कौन से काम नहीं हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सामाजिक तौर पे क्या आमदार साहब आम लोगों से क्या जुड़े हुए रहते हैं कि नहीं रहते? जी बिल्कुल रहते हैं, आज तक के तो हम खासदार साहब के पास जाते थे, जो सुनील मंडे जी थे उनके पास तो कई ऐसी लाइनें लग जाती थी, लेकिन हमारे को टाइम ही नहीं देते थे वो लोग। जब आज खासदार साहब के पास जाते हैं हम लोग तो डायरेक्ट हमारे साथ मिलना होता है। अभी मैं दो दिन पहले भी गया था तो आमदार साहब के साथ डायरेक्ट बैठना हो रहा है अभी। यानी कैसा, आमदार साहब किसी को कोई ऊँच नीच या कोई गरीब अमीर ये सब नहीं देख रहे और सबसे मुलाकात कर रहे और सबके परेशानियाँ सुन के उनका निवारण कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे जो उनके अभी बड़े पर पे इलेक्शन के तौर आ रहे हैं तो अपोजिट लोग जो है उनकी बदनामी करते हैं या विकास कार्यों के बारे में बोलते कि नहीं हुए, ऐसे लोगों को क्या कहूँ? अभी देखो, बदनामी करने के लिए सभी लोग खड़े हैं, जो खुद का नाम नहीं कर सकते वो दूसरों की बदनामी करते ही है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है किसको लाना है किसको नहीं लाना है, किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है, बाकी सब जनता को मालूम ही है। क्या फिर एक बार आमदार साहब आएंगे? अभी मैं आएंगे ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन अभी उनके अपोजिट में कौन सा उम्मीदवार खड़ा होता है, कैसा उम्मीदवार खड़ा होता है, ये उस पर अभी डिक्लेयर होगा। आपको क्या लगता है फिर से एक बार आमदार आएंगे आपके कार्य? आमदार साहब एक बार फिर से आएंगे, आमदार साहब आए थे हैं और आने वाले दिनों में वही आमदार चुनकर आएंगे। क्या नाम है आपका? मैं गुड्डू हेडाउ, कृष्ण हेडाउ। क्या लगता है आपको, क्या मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, वो हिसाब से हमने जो निधि मांगे थे उन वो निधि को हमने दो तीन बार बोले खासदार साहब के ज़माने में, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। हम आमदार साहब के पास में गए, उन्होंने 8 दिन में हमारा काम कर दिए, 19,89,000 का काम अभी चालू है हनुमान मंदिर ट्रस्ट का, और सागर तालाब का भी काम उन्होंने 1.5 करोड़ का काम लाए है और चालू है, और अभी फिलहाल में बारिश की वजह से या तालाब में पानी आने की वजह से ये काम बंद है, और हम चाहेंगे कि वो उनको और बोलेंगे कि हम सौंदर्यकरण का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और आमदार साहब हमारे को अच्छे लगे। क्या लगता है फिर से आमदार साहब आएंगे? आएंगे, विकास कार्य किए, काम किए, और कुछ समस्या होंगी तो और हम उनके पास में लेके जाएंगे। और आपकी समस्या पूरी हुई, पर क्या आम लोगों की समस्या पूरी हो रही? ये आम जनता का काम है ना, ये सौंदर्यकरण काम आम जनता का है ना, ये किसी के घर का नहीं है, और सार्वजनिक काम चालू है, आप अभी भी जाके देख सकते हो, उसके लिए उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकते। आप देख सकते हैं कि कई कामों को लेकर विषय बने हुए रहते हैं अलग अलग, और अलग अलग बातें कही जाती हैं, कितने करोड़ों के काम आए हैं और कितने करोड़ों के काम पेंडिंग है, ऐसे भी विषय कई कहे जा रहे हैं कि आमदार साहब ने कई जगहों लोगों से मुलाकात नहीं की, लोगों से बातचीत नहीं की, और ये 5 साल में मुलाकात नहीं, और ऐसे भी कहा जा रहा है कि आमदार साहब ऐसी कई जगहों पे जाके लोगों से मुलाकात करते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, आज जानते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र निखार। क्या कहोगे, क्या आमदार साहब फिर से एक बार आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आपका मत बताइए। आपका मत, मैं कैसा, मेरे मत से अगर कोई आपका मत चाहिए, आपका मत नहीं, जनता जनार्दन जिसे चाहती है वो चुन के आएंगा, काम अच्छे हुए हैं तो चुन के आने की शाश्वती ज्यादा रहती है। क्या लगता है आपको, आमदार साहब ने काम किए? आमदार साहब ने काम किए, जिनके उनके अंडर में जो काम था वो किए, सार्वजनिक काम हो गया, संस्था के काम हो गया, धार्मिक संस्था काम हो गया, तालाब का काम हो गया, ये बाकी जगह भुंडेकर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके बारे में शंका नहीं है। यानी बहुत सारे संस्था को उन्होंने जोड़ के, बिल्डिंग का काम, या हमारे लहरे आश्रम के सचिव होने के नाते बता, लहरे आश्रम का काम भी किए उन्होंने, बजाज स्कूल का भी काम अच्छा किया है, सब काम अच्छे किए सर। खासदार साहब ने, सुनील मंडे साहब ने चुन के आने के बाद उन्होंने बोला था कि मैं 1 साल के अंदर पानी की व्यवस्था क्लियर कर दूँगा, लेकिन सुनील मंडे साहब ने 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। अच्छा, अभी खासदार साहब ने नाम भुंडेकर साहब ने अगर अपने हाथ में लेते हैं
ये काम जल्दी से जल्दी होने की शाश्वती है। अरे आमदार जो काम खासदार साहब ने नहीं किए वो आमदार साहब करेंगे ऐसा? हाँ ऐसा बराबर है। अपेक्षा भी है अभी आमदार साहब से कि जो पानी की समस्या है जो बिकट होती जा रही दिन ब दिन भंडारा शहर में, वो जल्दी से जल्दी अगर आमदार साहब आते हैं तो वो जल्दी से जल्दी करके देंगे, ये अपेक्षा लोगों को है। आमदार साहब की जैसी बात कही जा रही है कि कई मुद्दों को लेकर अलग अलग कह रहे हैं, तो आज हम चांदनी चौक में मौजूद है। आज यंग जनरेशन जो लोगों से जुड़ी रहती है, एक बात करती है, वैसे लोगों से हम बात करते हैं कि क्या लगता है आमदार साहब के विषय को लेकर। क्या नाम बताएगी भैया आपका? योगेश चकोले। क्या लगता है आपको आमदार साहब का विषय लेकर? बड़ा जगमगाया, अभी विधानसभा के इलेक्शन आ चुके हैं, तो अभी कैसा है कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया लगते हैं, तो आपको क्या लगता है आमदार का जो इलेक्शन आ रहा है इसमें क्या प्रतिभा रहेगी अपने जो विधा आमदार है? जैसे कि अभी काका जी ने बताया पानी की व्यवस्था, शहर में दो ही चीज़ की व्यवस्था नहीं है बरोबर, एक तो पीने के पानी की और दूसरा रास्तों की। जो रास्ते चार साल से फूटे हैं, न खासदार ने किए ना आमदार ने किए। अगर अच्छा काम कुछ भोंडेकर साहब ने अच्छे काम लाए हैं वो कर रहे भी है, अच्छी बात है, पर सब लोगों की दो ही ज़रूरतें ज़्यादा है, एक तो पानी की सबसे मेन ज़रूरत है और दूसरी रास्ते की। आज लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा सर। 120 करोड़ के काम लाए हैं तो उसको कार्य करने में तो कुछ समय तो लगेगा। तो कुछ आइडिया नहीं है अपने को, मैं अपने एरिया की बात बताता हूँ। मेरे यहाँ एरिया में से छोटे छोटे रास्ते गली गुल्ली से 4 साल से सर फूटे हैं नड़ों के पाइपलाइन के लिए, वो आज तक के चिपके नहीं। अभी वो काम किसके अंडर में था, खासदार साहब के या आमदार साहब के, ये तो आइडिया नहीं है। अपन नगर प्रशासन को ही इस पे दोषी मानते हैं, उन्होंने सर नहीं किए। सबसे बड़ा काम पानी का सर, वो जल्दी हो जाने को होना, और दूसरा सर जो गली बिल्ली में रास्ते जो फूटे हैं वो बन जाने को होना। और इसको क्या लगता है फिर से आमदार आ सकते हैं? सर अच्छे काम करेंगे तो बिल्कुल, रकीच है। जैन जनरेक्शन में क्या मात है, क्या बात कही जा रही है सर? डिपेंड करता है सर टिकट पे, तो बहुत बड़ी बात डिपेंड करती है सर। टिकट मिली तो कैसा है, जो पार्टी के होते हो तो मिलना है और फिर आम जनता तो है। पार्टी को लेके क्या बोलेंगे, बीजेपी है, कांग्रेस है, उबाड़ा है, शिवसेना है, का तो वही तो समझ में नहीं आ रहा सर, कौन कौन से पार्टी में और कब कहाँ जाएगा, यही तो बात समझ में नहीं आ रही सर। वोट किसको दे सर, और जाने के बाद वो कौन से पार्टी में जाएगा, यही तो समझ में नहीं आ रहा। एक चीज बताइए मेरे को, क्या भोंडेकर साहब फिर से आ सकते हैं? आएंगे बिल्कुल, मेरा वोट उन्हीं को है बस। देखिए विकास की बात जब आती है तो आमदार खासदार इनके सबके नाम आते हैं, तो जिस तरह से आपने देखे कि खासदार के इलेक्शन हुए थे और खासदार के इलेक्शन को लेकर एक अलग छवि बनी थी, उसी तरह से हम देखते हैं, देखना चाहते हैं कि भंडारे की जनता क्या चाहती है, क्या आमदार को लेकर भी ऐसी छवि बनी है क्या? तो हमें कई जगह पे ऐसी, हम हर जगह पे एक अपनी अपनी प्रतिभा लोगों से ले रहे हैं ताकि BS क्राइम इंडिया न्यूज़ ऐसी सच्चाई लोगों तक पहुंचा सके कि क्या सही में भावी आमदार जो अपने आमदार थे नरेंद्र भोंडेकर जी, क्या इन्होंने सही में विकास के कार्य किए हैं, काम किए हैं, ऐसी ही छवि को लेकर हम आए हैं। कुछ क्या भैया, क्या नाम है? निरंजन निनावे। क्या लगता है आपको आमदार को लेकर? कोई भी आके क्या करने वाला है हमारा? तुम्हारा नहीं, विकास का। विकास भी नहीं कर सकते ना, भंडारा एक श्रापित एरिया है, इसका भंडारे का विकास ही नहीं हो सकता। जो भी है श्रापित एरिया है, कुछ हो नहीं सकता, और हम वोट भी नहीं देंगे किसी को। कई जगह तो बहिष्कार भी किया जाता है, ऐसी ही खबरों के लिए मेरे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आपको जागरूक करते रहता हूँ कि किस तरह से ऐसे ही हमारे अलग अलग चौपाल चलते रहेंगे और आप तक हकीकत पहुँचाते रहेंगे। शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, भंडारा।